फोन पे अकाउंट में आपको जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखने को मिल रहा है, इस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो काफी सारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखने को मिल जाते हैं। अगर आप किसी पे भी क्लिक करते हैं तो उसके हिस्ट्री का पूरा डिटेल आपको देखने मिलेगा, ट्रांजेक्शन आईडी शो हो जाएगा, बैंक अकाउंट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे व्यू हिस्ट्री पे क्लिक करके इसके हिस्ट्री को देख सकते हैं, स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, साथ में शेयर रिसीव का ऑप्शन मिलेगा। आपको रिसीव को किसी को शेयर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से बैक होते हैं, बैक होने वाले किसी पे भी अगर आप यहाँ पे टैप करते हैं तो आप यहाँ पे देखें कहीं पे भी डिलीट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। साथ में फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो मंथली वाइज ईयर वाइज आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, पर इसमें भी आपको डिलीट का ऑप्शन कहीं पे भी शो नहीं होता है। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ऊपर में हेल्प वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने में इस प्रकार का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पे सेकेंड में ऑप्शन मिल जाता है प्रोफाइल एंड पेमेंट वाला ऑप्शन, इस पर दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा माय फोन पे प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन मिलेगा माय फोन पे अकाउंट डिटेल का, इस पर दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाता है चेंजिंग और डिलीटिंग डिटेल, ये ऑप्शन मिलता है, इस पर दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक कीजिएगा तो नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा कैन आई डिलीट ऑल माय पेमेंट डिटेल ऑन फोन पे, जिसमें पूछा जा रहा है क्या मैं जितने भी पेमेंट डिटेल है जितना भी हिस्ट्री उसको डिलीट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि आरबीआई का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो अपना पेमेंट हिस्ट्री है उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, पर कुछ प्रोसेस कंप्लीट करके आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ से बैक हो जाना है और बैक होने के बाद फिर से आपको क्या करना है, हेल्प सेंटर में ही रहना है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिलेगा अदर का, इस अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सिक्योरिटी एंड रिपोर्टिंग फ्रॉडेंट एक्टिविटी, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने में सबसे नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा हाउ डू आई कीप माय फोन पे अकाउंट सिक्योर, इस पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। क्लिक करने में कस्टमर सपोर्ट डिटेल का ऑप्शन मिलेगा जिसमें phonepe.com कांटेक्ट अस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने में इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी आप यहां पे देख सकते हैं चार ऑप्शन है, कस्टमर सपोर्ट का, मर्चेंट सपोर्ट का, रिपोर्ट फ्रॉड का और रिपोर्ट एथिकल कंसर्न का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड अगर आपको यहां पे कोई कंसर्न है तो आप मर्चेंट सपोर्ट पे यहां पे क्लिक कर सकते हैं। साथ में कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे में आपको जाना है, नीचे में जाने के बाद आप यहां पे देखिए कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा, यहां पे गेट हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लॉगिन करके कस्टमर से डायरेक्ट आप यहां पे चैट कर सकते हैं, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। बाकी कॉन्टेक्ट कैसे निकालना वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए यहां पे गेट हेल्प पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो रजिस्टर्ड फोन पे नंबर है वो यहां पे मांगा जाएगा, उसको डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आप यहां पे चैट करके अपना पता लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहां से बैक होते हैं तो बैक होने में नीचे में आप जाइएगा तो नीचे में जाने के बाद एक ऑप्शन आपको यहां पे देखने मिलेगा ओम बट्समैन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें नाउ मोर का ऑप्शन यहां पे शो जाता है, इस पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपको यहां पे काफी सारे भाषा देखने मिलेंगे, आप अपने हिसाब से इंग्लिश हिंदी जो भी चूज करना वो आप यहां पे चूज कर ले। देन नीचे में आप जाइएगा तो नीचे में जाने के बाद आप यहां पे देखिएगा एक ऑप्शन यहां पे देखने मिलेगा, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। यहां पे पूरा कंप्लेन के बारे में बताया जा रहा है कि कंप्लेन अगर आप यहां पे करते हैं तो 24 आवर में कैसे यहां पे सॉर्ट आउट होगा, 3 दिन में कैसे सॉर्ट आउट होगा, और अगर हाई कंप्लेन है तो 30 दिन के अंदर आपका कैसे सपोर्ट यहां पे कंप्लेन इशू को सॉल्व किया जाएगा। जैसे आप नीचे में जाइएगा तो आप यहां पे देख सकते हैं कस्टमर सपोर्ट का एक यहां पे आपको ईमेल आईडी देखने मिलेगा support.phonepe.com। आपको सिंपली क्या करना है, अपने ईमेल आईडी से इसमें आपको क्या करना है, अपना जो भी इशू है उसको मेल करना है। आप यहां पे लिख के भेजे कि मुझे जो अपना जो फोन पे का जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसको डिलीट करना है, तो प्लीज आप उसको डिलीट करें। आप डायरेक्ट यहां पे ईमेल आईडी पे इसको मेल कर सकते हैं, साथ में मोबाइल नंबर आपको यहां पे देखने मिलेगा, आप मोबाइल नंबर पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहां से बात भी कर सकते हैं। ये दोस्तों ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके थ्रू आप यहां पे चाहे तो अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर पाइएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।